मैंने एजेंडा फिर से पढ़ा कि कहीं विषय 2019 का आम चुनाव तो नहीं है, मगर एजेंडा में तो लिखा है री इन्वेंटिंग जीरो, जीरो पावर्टी, जीरो करप्शन, जीरो टेररिज्म। फिर मैंने फिर से दोबारा एजेंडा पढ़ा कि कहीं एजेंडा पिछले 5 सालों का हिसाब तो नहीं है, मगर खैर 5 सालों का हिसाब तो बहुत हो गया, 60 सालों का हिसाब बाकी रह गया है, कभी कर लेंगे। अब मैं अधिक समय न गंवाते हुए अगले वक्ता को सादर आमंत्रित कर रही हूँ, वो वैसे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री विवेक अग्निहोत्री जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, हेलो नागपुर। मैंने मैं 15-20 दिन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बहुत यंग लोगों के साथ। अगर आप देखें तो मैं सिर्फ यंग लोगों के ही साथ रहता हूँ, क्योंकि ऐसे मिडिल एज लोगों के साथ रहो तो सिर्फ नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं। और यंग लोगों की जो सबसे अच्छी बात होती है वो है एनर्जी। आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, नहीं ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं, जीवन के स्टूडेंट्स हैं, अपने आसपास के नेचर को तो समझते होंगे, अपनी माँ को तो जानते होंगे। आपका घर किस चीज से चलता है, पॉजिटिव एनर्जी से कि नेगेटिव एनर्जी से? आपकी मां के पास क्या है, पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव एनर्जी? इसीलिए यंग लोगों के साथ बैठो तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वो अपनी मां से बहुत करीब होते हैं। आदमी जैसे जैसे जीवन के संघर्ष में जूझने लगता है, अपनी मां से कुछ वक्त के लिए थोड़ा दूर होता जाता है, और अपनी मां के त्याग को, उसकी तपस्या को, उसकी हिम्मत, उसके सामर्थ्य को समझना बंद कर देता है। उसे लगता है मैं ही हूं, मैं ही जिंदगी चला रहा हूं। और शायद यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में होते हैं, वो भारत जो हमारी मां है उसकी महानता को, उसकी धरोहर को समझने में कई बार गलती कर देते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ दो बिल्लियों की तरह लड़ाई में उसी मां का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज जीरो, भारत ने जीरो बनाया, उसके बारे में बात करूंगा। मैं पॉलिटिक्स की ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह हो गया है कि मैं सिर्फ भारत के बारे में बोलता हूं, और मैं भारत की सिर्फ पॉजिटिव बातों के बारे में बोलता हूं, नेगेटिव बात के लिए तो लाखों लोग हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी है और तमाम पार्टियां हैं। समस्या यह है, जब भी मैं कहता हूं कि भारत अच्छा देश है, मुझे कांग्रेसी लोग ट्रोल करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। चरण जी, नहीं, मैं एक ही बात आपसे बोलूंगा बिफोर, इसके पहले मैं कुछ बोलूं, मैं पॉलिटिक्स की सिर्फ एक ही बात करूंगा। सर, आपने पकौड़े वालों को बहुत बड़ा बुरा भला कहा, लेकिन कितना भी पास्ता खा लीजिए, मजा तो पकोड़े में ही आता है। यह देश, भारत देश की कहानी एक बॉलीवुड फिल्म के हीरो से कम नहीं है। एक ऐसी जमीन, एक ऐसी धरोहर, जिनको आप लोग ऋषि बोलते हैं, वो ऋषि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट को उस वक्त ऋषि बोला जाता था, जब सारी की सारी दुनिया लोगों की जमीनों पे कब्जा करने में लगे थे, जहां रिसोर्सेज हैं, जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, के ऊपर तलवारों और बंदूकों से कब्जा करने में लगे थे, तब भारत भूमि के जो ऋषि लोग थे, वो अपने मन,
अपनी आत्मा, अपने जीवन पे कब्जा करने पे लगे थे अपने चिंतन और मनन से। आज क्या आप लोग जानते हैं, इस विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं हुई, बहुत सारे सिविलाइजेशंस हुए, एस्टेक, इजिप्शियन, रोमन, तमाम विश्व में तरह तरह की सभ्यताएं हुई, एक एक करके सब खत्म हो गए, सारे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, पर भारत आज भी जिंदा है। भारतीय सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो आज भी ओपन और डेमोक्रेटिक तरह से जिंदा है। एक और सभ्यता जिंदा है चाइनीज, लेकिन वो क्लोज्ड सभ्यता है। आपने कभी सोचा क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? कोई मुझे बता सकता है क्यों? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसने हमको जिंदा रखा है? कोई बताएगा मुझे? स्टूडेंट यहां, आप कोई, आपको भारत के बारे में नहीं पता? व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया? राइट, डाइवर्सिटी। इंडिया इसलिए जिंदा है क्योंकि हमेशा एक ओपन और पॉजिटिव माइंड लेके हम लोग चले। हमारी विशेषता यह रही है, हमने हमेशा प्लुरैलिटी को माना है। आप ईश्वर को मानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ईश्वर को नहीं मानना चाहते हैं, तो भी आप हिंदू हैं। जब मैं हिंदू बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म नहीं, मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं। सिविलाइजेशन है तो अल्टीमेटली ये हिंदू सिविलाइजेशन। अगर आप ईश्वर को गाली देना चाहते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप, हमारे एक चारक करके बहुत बड़े एक संत ऋषि हुए हैं, वो, उनका कहना था कि दिन भर घी पियो और सोते रहो, उनको भी हमने ऋषि और संत का दर्जा दिया है। आप कोई सी भी विचारधारा के हो, आप कुछ भी सोचते हो, कैसा भी सोचते हो, आपको उतना ही अधिकार, उतना ही आदर इस सोसाइटी में मिलेगा जितना किसी और को मिलता है। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में 2 बार इंटॉलरेंस की डिबेट चालू हुई और दोनों बार फेल हो गई, क्योंकि ये देश है, ये टॉलरेंस वाला देश कभी नहीं रहा। टॉलरेंस एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। अभी आप पढ़ लिख के जब बाहर जाएंगे कभी घूमने, कई लोग गए भी होंगे शायद, आप देखिए वहां पे जब आपके घर में कोई रहने आता है, आपका कोई कजिन आता है, आपके कोई चाचा या मामा आते हैं, तो माँ बच्चों से बोलती है बेटा, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू डेज, जस्ट टॉलरेट देम फॉर 2-3 डेज। भारत टॉलरेंस वाला राष्ट्र कभी रहा नहीं। भारत हमेशा से टोटल एक्सेप्टेंस वाला राष्ट्र रहा है, और यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया, और भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसको 10 साल के लिए एक विदेशी महिला ने रूल किया। आप सब जानते होंगे 2014 तक, पिछले 2004 से 2014 तक हम लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी को वही आदर और वही रिस्पेक्ट दी जो हम किसी और भारतीय को देते। विश्व में इसकी कोई और मिसाल आपको मिलेगी नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जो देश इतना महान है, जो देश हर परिस्थिति में, हर आक्रमण के बावजूद, हर लूट, विदेशियों के आक्रमण के बावजूद, अपने ही देश के लोग, अपने ही आजादी के बाद अपने ही देश के नेताओं की लूट के बावजूद, अगर आज जिंदा है और वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभर रहा है, स्टैटिस्टिक थोड़ी मैं भी जानता हूं, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर है, सोलर एनर्जी में, मिल्क प्रोडक्शन में, विंड एनर्जी में, रेलवे फ्रेट में, रेलवे लाइंस में, एयरलाइन पैसेंजर्स, ऐसे 50 चीजों में वी आर इन वर्ल्ड्स इन टॉप 3 और 5 कंट्रीज। मैं बहुत बाहर जाता हूँ लेक्चर्स देने। अभी कुछ महीने पहले मैं अमेरिका की 25-30 यूनिवर्सिटी में गया था, जिनमें से पर्ड्यू और हार्वर्ड और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब जगह मैं गया था स्पीच देने, और सारे स्टूडेंट्स जो थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉन इंडियंस।
और वो सब लोग पहले ऐसे हॉल भरे रहते थे, उनमें आप देखिए जूस होते थे, ब्लैक्स होते थे, अमेरिकन्स होते थे, तमाम और कई सारे अरब स्टूडेंट्स भी होते थे। और मुझे वहां के प्रोफेसर्स ने बताया कि ये जो अटेंडेंस है इंडियन लेक्चर्स को लेके, चरण जी यू मस्ट लिसन टू दिस, क्योंकि ये भारत की बात है, ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आपको आश्चर्य होगा जान के, मुझे वहां के डीन यूसीएलए जो है वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये बोला कि ये पिछले 3-4 साल में ये अटेंडेंस लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जहां 5 स्टूडेंट्स नहीं आते थे सुनने, अब धीरे धीरे 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स आते हैं। अमेरिका के लिए इट्स अ वेरी बिग नंबर। ये कैसे हुआ है? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है? ये वो हिंदुस्तानी लोग जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं, उन लोगों की क्या नॉलेज है, उनकी क्या अवेयरनेस है, उनकी क्या लीडरशिप है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको देख के लोग इंटरेस्टेड होने लगे, जो पहले नहीं होता था। ऐसा क्या बदला? ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आपका भविष्य भी इस पर टिका हुआ। ऐसा क्या बदला? पहले भी इंजीनियर्स जाते थे और डॉक्टर्स, एक्चुअली पहले तो ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जाते थे, आज भी इंजीनियर्स जाते हैं, आईटी ग्रेजुएट्स जाते हैं, डॉक्टर्स, व्हाट हैज चेंज्ड? इसके लिए आपके अगर कोई कजिन्स रहते हो अमेरिका या यूके में, उनसे पूछिएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है और पॉलिटिशियंस इस बात को समझेंगे भी नहीं। इंडियन आज जो लड़का लड़की वहां जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसके कंधे पहले की तरह झुके हुए नहीं है, अब वो गोरे लोगों को देख के ऐसे ऐसे सर नहीं हिलाता है, आज उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं आया, आप लोगों की जो एनर्जी है इसमें एक कॉन्फिडेंस है, इसमें एक आत्मविश्वास है। जब मैं पढ़ता था तब से 2 ब्रांड्स मिलते थे जूते के, बाटा और करोना, और 2 ही प्रोफेशंस थे, इंजीनियर या डॉक्टर, या फिर अगर पैसा कमाना है तो आईएएस ऑफिसर बन जाओ। आप जानते होंगे इस बात को। आज भारत इज फुल ऑफ चॉइसेस, और जब आदमी को चॉइस होती है तभी वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है या अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है। लेकिन आज जब सक्सेसफुल होने की चॉइस भारत में पहली बार आई, आज जब एंटरप्राइजिंग बनने की चॉइस सबसे भारत में आई, तो भारत के लोग कॉन्फिडेंटली अपने कंधे ऊंचे करके, सर ऊपर करके सारी दुनिया के सामने आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से यह एक पहली स्टेप है भारत को वर्ल्ड मैप पे एक कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह प्रेजेंट करने की। मैडम, हेलो, एक्सक्यूज मी, इज इट अ क्लास और इज इट अ फंक्शन? अगर वो लिखवा लीजिए पहले, या मैं बात कर लूं लोगों से, कुछ एक चीज कर सकते हैं, 2 चीज नहीं कर सकते। आप लोग क्या पसंद करेंगे, मैं बात करूं कि लिखना? तो जो आज का ये जो यूथ है बाहर जाता है, जब क्या कारण है कि सोशल मीडिया में आज देखिए, बताइए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या? मैं बताता हूं आपको, प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि आजादी के बाद, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पंडित नेहरू वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 2 विचारधाराएं थी। गांधी का स्वराज चलेगा कि नेहरू जी का फैसिनेशन विद वेस्टर्न आइडियोलॉजी चलेगा, और ये सब रिकॉर्डेड है कांग्रेस की हिस्ट्री में। हमारे देश का सौभाग्य था या दुर्भाग्य था, हम लोग नेहरू जी के वेस्टर्न आइडिया से चले, और वहीं से दिमागों का कॉलोनाइजेशन जो था वो बना रहा। हम अपने दिमागों को डीकॉलोनाइज करने में कभी समर्थ ही नहीं हो पाए, और यही कारण है कि आप देखिए इस देश का जो लड़का या लड़की अंग्रेजी नहीं बोलता है, उसके जीवन के यूथ के, प्राइम यूथ के 15-20 साल तो सिर्फ अंग्रेजी से लड़ाई लड़ते लड़ते ही चले जाते हैं। ये सही है कि गलत है? इतनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्या कारण है इसका? अभी मेरा भोपाल में एक घर था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद उस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं बंबई में रहता हूँ, अकेला बेटा था, तो फिर कोर्ट केस चला, फिर अल्टीमेटली उन लोगों से 10-12 साल के कोर्ट केस के बाद अभी वो घर खाली कराया। जब मैं उस
घर में गया तो इतना बुरा हाल उसका करके रखा था, चीजें सब निकाल ली थी, बहुत ही बुरे हाल में था। मेरा कर्तव्य ये था, और जो है जो मैंने किया भी, कि सबसे पहले उस घर की मरम्मत की जाए, अपने माँ बाप की जो धरोहर है, हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं, जो धरोहर है उसको कम से कम इतना तो साफ और पवित्र फिर से बनाया जाए कि मैं ये तो कह सकूं ये मेरा घर है, उन लोगों का घर नहीं है जिनने कब्जा करके रखा था। तो ऐसा क्या हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, जो लीडरशिप इस देश में आई वो क्यों इस बात को भूल गई कि ये अल्टीमेटली है तो भारत, भारत को फिर से भारतीयता की तरफ ले जाना उनका कर्तव्य था, या भारत के जो भारतीय लोग थे, जो हमारे मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लोग थे, जो अंग्रेजी ना बोलने वाले लोग थे, जिनके परिश्रम योगदान और संघर्ष से इस देश को आजादी मिली। ये तो किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, गांधी जी और नेहरू जी ने आजादी दिला दी, पर आजादी तो इस देश के लोगों ने दिलाई। आप आज शाम को जाके, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, शाम को अपने घर जाइएगा, अपने माँ बाप से पूछिएगा कि उनके दादा दादी या और पीछे उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश की जो आजादी थी वो हमारे देश के लोगों के त्याग और तपस्या से मिली थी। ऑफ कोर्स गांधी जी ने उसको लीड किया था, पर गांधी जी तमाम हजारों नेता थे जिनने लीड किया था। हम बाल गंगाधर तिलक की क्यों बनी बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब जो नेता थे, पटेल, बोस, तिलक, इन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि इन लोगों की, ऐसा क्यों किया हमने? और यही कारण है हमने हमेशा अपने यंग लड़के लड़कियों को नॉन स्टॉप एक हीन भावना से ग्रसित करवाया। मैं उस जेनरेशन का हूं, आप भी उसी जेनरेशन के हैं। हम सब बड़े हुए हैं, या जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो 70 और 80 के दशक में पढ़े हुए और बड़े हुए हैं प्री लिबरलाइजेशन, वो सब जानते हैं इस बात को। हर समय हमें ये लगता था हम पिछड़े हुए गरीब देश हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, और वही लोग यहां से इंजीनियर डॉक्टर बन के बाहर जाते थे विदेश में। लेकिन पिछले 3-4 साल से जो लोग जा रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है कि वी कांट डू इट, उनकी बॉडी लैंग्वेज है इंडिया कैन डू इट, इंडिया इज डूइंग इट, इंडिया विल डू इट। दलाई लामा ने अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, जिसपे सारे के सारे अंग्रेज लोग, 3-5 हजार अंग्रेज लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था बहुत देर तक। उन्होंने कहा अल्टीमेटली, कोट अनकोट बोल रहा हूं मैं, ये दलाई लामा ने बोला था अभी कुछ वक्त की पहले की बात है, उन्होंने कहा इवेंचुअली इंडिया वॉज, इंडिया इज एंड ओनली इंडिया विल। ये कॉन्फिडेंस दलाई लामा जैसे लोगों को, विश्व की दुनिया के सारे लोगों को भारत पे अचानक क्यों आने लगा है? इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इसका कारण है सोचने, जो सोच में चेंज आया है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। और ये पैराडाइम शिफ्ट जो होते हैं, ये जो एटीट्यूडनल चेंजेस होते हैं, ये जनरेशंस लगती हैं इनको आने में। भारत में कोई भी आदमी ये नहीं सोचता था कि कार से कुछ कचरा फेंकना क्यों खराब बात है, जो भी निकलता था उठा के फेंक देता था, मेरा घर साफ रहे, बाहर का जो है वो गंदा पड़ा रहे। अगर आज आपके छोटे भाई बहन हो तो आप देखिए आपको कचरा नहीं फेंकने देंगे। आप लोग भी, आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर आज क्लेनलीनेस की अवेयरनेस है, हाथ उठाइए, जो सोचते हैं कचरा फेंकना गलत बात है। कोई ऐसा है? एक दो लोग। आपको लगता है कचरा फेंकना अच्छी बात है? अच्छा, आपने हाथ नहीं उठाया था। यही सवाल अगर आप आज से 5-6 साल पहले किसी कॉलेज में पूछते, आप गारंटी इस बात की है कई लोग कहेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, सब लोग हाथ नहीं उठाते। ये जो एटीट्यूडनल चेंज है उसका श्रेय कोई भी ले। ऐसा नहीं है कि सफाई की बात पुरानी गवर्नमेंट्स ने नहीं की, उनने भी बहुत काम किया है। ऐसा थोड़ी है कि इस देश में डस्टबिन नहीं थे, डस्टबिन तो सब जगह लगे ही थे। ऐसा थोड़ी है कि ट्रेनों में सफाइयां नहीं होती थी, ऐसा थोड़ी है कि एयरपोर्ट्स में सफाई करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि कचरा उठाने के लिए सुबह गाड़ियां नहीं आती थी। पर यह चेंज कैसे आया? जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब हम लोगों ने कहा कचरा नहीं होना चाहिए,
ये जो एटीट्यूड का चेंज है, मेरे ख्याल से ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी देश के समाज के पुनर्निर्माण का, जिसकी बात बहुत अफसोस की बात है, इट्स अ सैड कमेंट्री कि 60 साल में किसी ने, 70 साल में किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, जबकि इस देश को महान से महान लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसमें। जवाब पंडित, मैंने अभी एक फिल्म बनाई है द ताशकंद फाइल्स, ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं, करप्शन क्या होता है आपको मैं समझाता हूं। करप्शन सिर्फ पैसे के लेन देन क्यों नहीं होता, वो तो दो दिन में बंद हो सकता है, आप चार पुलिस वाले लगा दीजिए करप्शन नहीं होगा। आप कैमरे, अभी टेक्नोलॉजी चेंज कर देगी, जगह जगह कैमरे लग गए हैं, अब बंबई यहां पता नहीं मुझे, बंबई दिल्ली में तो जो चालान है अपने आप आ जाते हैं, आपने जरा सी व्हाइट लाइन को क्रॉस किया आपके घर में चालान आ जाता है, तीन चार तो हमारे ड्राइवर के आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी करप्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आप ये किसी से भी, अपने मां बाप से पूछिएगा सवाल कि भाई आप पहले इनकम टैक्स ऑफिसर से कितनी बार मिलते थे और आज कितनी बार मिलते हैं, आज आपको नहीं जाना पड़ता है क्योंकि आप बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं। ये डिजिटल इंडिया जो है, ये नहीं कि मोदी जी के कारण हो रहा है, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में आ रही है, लेकिन उसको किसी ने तो लीड किया है, किसी ने तो इंस्पायर किया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे सुर को जानने वाले हो, लेकिन कोई तो आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे सिखा के एक राह दर्शन दिखाने वाला होना चाहिए, दिशा दिखाने वाला, जो हमारे पास नहीं था। तो करप्शन में बताता हूँ क्या होता है। मैंने अभी एक फिल्म बनाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, आप सब लोग जानते हैं शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस पार्टी के थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चीन के साथ एक बहुत शर्मजनक हार के बाद भारत का एक और युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और हमने उसमें बहुत कुशलता के साथ विजय पाई, और इमीडिएटली उस वॉर के बाद ताशकंद में, जो उस वक्त के यूएसएसआर में था, रशिया में था, वहां पे एक पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रीटी, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट करने के तुरंत बाद, कुछ घंटे बाद, शास्त्री जी की बड़े संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आया था, कुछ कहते हैं उन्हें जहर दिया गया था। सवाल यह है कि शास्त्री जी, आप जरा गौर करिएगा इस बात पे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको समझ में आएगा करप्शन होता क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर का कोई बड़ा बूढ़ा जिसका किसी के साथ विवाद चल रहा हो, किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो, वो विदेश गए और वहां पे उनकी अचानक एक संदेहास्पद तरीके से उनकी मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप क्या मांगेंगे, व्हाट विल यू आस्क फॉर, पोस्टमार्टम। वो मृत्यु किस वजह से हुई है तो जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे, और स्पेशली अगर वहां के लोग, उनके साथ जो नौकर लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि इनको शायद जहर दिया गया है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई, लोग 95-100 साल के होते हैं, वो हॉस्पिटल में जब मर जाते हैं तो परिवार वाले डॉक्टरों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि जरूर आपने गलत इलाज किया होगा इसलिए मर गए, ये भी नहीं मानते। तो हम, अब आप सोचिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में एक युद्ध के बाद मरता है, उनके परिवार वाले रो रो के मर जाते हैं, जब उनकी बॉडी हिंदुस्तान लौट के आई, उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, सूज गई थी, उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। हार्ट अटैक में किसको खून निकलता है। आज 50 साल हो गए, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना रशिया में ना इंडिया में। और तो और, उनकी जो समाधि बन रही थी, शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था, हमें जोर से बोलिए क्या दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था उनने, और उसी नारे के कारण हम लोग जीते थे, जीते बंदूकों से थे, सूझबूझ से, लेकिन उस नारे ने हमारे सैनिकों को प्रेरित किया था और इसलिए हम जीते थे। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब उनकी समाधि पे उनकी धर्मपत्नी ललिता जी ने बोला और उनके सारे चाहने वाले भारतीयों ने बोला कि इनकी समाधि में, जब गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी समाधि पे लिखा गया हे राम, क्योंकि वो उनके आखिरी शब्द थे,
शास्त्री जी की समाधि में जय जवान जय किसान लिखने की जब बात उठी, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तब ललिता जी शास्त्री जी की धर्मपत्नी उनकी समाधि के सामने जाके भूख हड़ताल पे बैठ गई। चार दिन बैठने के बाद जब इतना पब्लिक प्रेशर बना तब जाके इंदिरा गांधी ने उनको अलाउ किया और उसी रात को उनके घर जाके उनसे बोला कि आपके पास घर दे रही हूं, गाड़ी दे रही हूं, आज के बाद बस अपने मुंह पे लगाम लगा के बैठिएगा। इतनी इंक्वायरी की मांग हुई। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री का विषय हमेशा ज्वलंत रहा, लेकिन आज मैंने पिछले 4 साल में रिसर्च किया है, 25 आरटीआई फाइल की हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि भारत सरकार के पास एक भी कागज नहीं है उसका। और शास्त्री जी की इंक्वायरी मालूम कहां हुई? दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में। भारत के प्रधानमंत्री की मिस्टीरियस डेथ या मर्डर। और उसी वक्त की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसे कहते हैं करप्शन। करप्शन इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर घुसता है। जब लीडरशिप डिसाइड कर लेती है किसी राज को छुपाना है तो उसके लिए अपने इर्द गिर्द मीडियोकर, इनकॉम्पिटेंट और साइकोफेन टाइप के लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करती है और धीरे धीरे वो एक इकोसिस्टम बनता जाता है और देश की जो जड़ें होती हैं कमजोर बनती जाती हैं। और देश के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ करप्शन से ही काम चलेगा, सिर्फ मीडियोक्रिटी से ही काम चलेगा। और इसीलिए एक्सेलेंस को इस देश में, मेरिट को इस देश में कभी सेलिब्रेट नहीं किया। मैं 60 साल की हिस्ट्री बता रहा हूं इस देश में। इसीलिए हम लोग हमेशा रिजर्वेशन 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 की बात करते हैं। सन 2019 में एक विकसित देश कैसा हो, उसे रिजर्वेशन नहीं, उसको मेरिट और इनोवेशन की जरूरत है। आज अगर भारत में टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ये सब चीजें खत्म करनी है तो हमको एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। हम लोगों को अपने आप में एक सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है प्राइड। जो बेटा या जो बेटी अपने माता पिता के ऊपर गर्व नहीं कर सकता वो अपने परिवार का कभी भला भी नहीं कर सकता। वो युवा लोग, वो यूथ जो इस भारत के ऊपर गर्व नहीं कर सकते, इसकी धरोहर, इसकी हिस्ट्री को नहीं पहचान सकते, वो देश का भला कैसे करेंगे? और यही ये लोग चाहते हैं, यही इनकी मंशा है कि आप भारत पे गर्व ना कर पाए। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज ही एक एक्सपेरिमेंट करिए, आप अभी यहीं बैठे बैठे कर लीजिए। आप सोशल मीडिया में जरा भारत की हिस्ट्री की, अपने वेदों की, अपने अपने एक रिच हेरिटेज की जरा बात तो करके देखिए। आप देखिए कितने लोग आपको गाली देने आ जाएंगे और उनका प्रोफाइल चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो एक भी इस देश के बारे में अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। भारत की इतनी ज्यादा पहचान कुछ सालों में बढ़ी है पूरे विश्व में। आपने परसों पढ़ा बिल गेट्स ने क्या बोला आयुष्मान के बारे में। बिल गेट्स ने बोला आज कि उन्हें दूसरी कंट्रीज को फाइनेंस कर रहे हैं बिकॉज इन लास्ट फ्यू इयर्स 3-4 इयर्स आधार हैज बीन सो सक्सेसफुल। आज भारत की जो डिजिटल आईटी सेक्टर की जो प्रोग्रेस है उसको पूरा वर्ल्ड आज पहचान रहा है। और जो फार्म डिस्ट्रेस, मैं घूम रहा हूं पिछले 1-1.5 साल से, हर रोज हम किसानों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ, आप देखें अगर ट्विटर और फेसबुक में मेरा प्रोफाइल, एवरी सिंगल डे आई एम विद समबडी और दी अदर। और मैं कोई पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, मैं इंडिया की बात करता हूं। ये जो फार्मर स्ट्रेस की जो बात करते हैं ना ये लोग, जो एग्रीकल्चरल स्ट्रेस और फार्मर सुसाइड, ये सिर्फ भाषण और माइक और इनके बीच में होता है। आप किसी किसान से जाके मिलिए, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। आज घर बैठे वो मंडी में अपना सामान बेचता है, पता है आपको ये बात? आज वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, छोटे से छोटा स्मॉल टाइम फार्मर। प्रॉब्लम ये है कि 60 साल तक जिन लोगों ने रूल किया वो जमींदारों की पार्टी थी, और आज जब वो किसान एम्पावर्ड हो रहा है इनको अच्छा नहीं लग रहा। इनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये लोग इतने साल राज करते रहे और किसान को पावर, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। जो 10% रिजर्वेशन की बात है, यही तो हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां पिछले 50 साल से मांग कर रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी खप गई ये बोलते बोलते। आज अगर वो हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, इसको तो इन लोगों ने भी सपोर्ट किया पॉलिटिक्स में, तो यहां के नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं? ये भारत का फ्यूचर है। आप लोग की इंप्रेशनेबल एज है, आपको पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। अगर आपका भला हो रहा है किसी चीज से, आपका फायदा हो रहा है, तो उनको क्यों उनके दिमाग में जहर भरा जाए नेगेटिव बातें करके? और ये इस देश का दुर्भाग्य है
कि हम लोगों ने हर चीज को पॉलिटिकल लेवल पे उतारा है। ये लोग होंगे नहीं होंगे, चरण जी कल बीजेपी में भी हो सकते हैं, एसपी में भी हो सकते हैं, ये कहीं और चले जाएंगे, बीजेपी वाले लोग किसी और पार्टी में चले जाएंगे। जिनकी कोई आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल और धर्म नहीं है, उन लोगों की बातों में क्यों आना? आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। क्या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिफोर आई फिनिश? मैं दो छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले आईआईटी पवई के एक प्रोफेसर से मिला था, प्रोफेसर बापट से। जब इंजीनियरिंग का कौन सा एग्जाम होता है? जी, राइट? जी में जो लड़का या लड़की टॉप करता है, टॉप मतलब नंबर वन रैंक पे जो आता है, वो जिस प्रोफेसर को असाइन होता है, मैं उन प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझसे ये बोला कि पिछले कई सालों से 20 से 25 साल से वो वैदिक साइंस, वैदिक मैथमेटिक्स पे वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में हमेशा स्पीच देते आए हैं, और पूरे विश्व में लोग उनको मानते हैं, इतनी इज्जत है उनकी। भारत का जो लड़का, इसका बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना है? जो लड़का टॉप करता है वो कोई बीजेपी के एहसान से या कांग्रेस के एहसान से तो करता नहीं है। चरण जी की स्टैटिस्टिक्स पढ़ के तो टॉप करता नहीं है, वो तो अपनी मेरिट, अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से करता है। उसके प्रोफेसर, जिनको इतने सालों से पूरी दुनिया में सिर्फ इसी बात के लिए इज्जत मिलती थी कि वो वैदिक साइंस की बात करते थे, उनने मुझसे बोला कि पर विवेक जी, आजकल मैं सोच रहा हूं मैं जाना बंद कर दूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अब जब मैं जाके बोलता हूं लोग मुझे संघी बोलते हैं। वेद का संघ से क्या लेना देना है? ये तो हमारी धरोहर है, ये तो भारत की धरोहर है। और आप जिस दिन वैदिक नॉलेज को समझ जाएंगे, आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। क्या आप लोग को पता है, 4 दिन पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल सेंटर है, मेडिकल सेंटर आप जानते हैं, उन्होंने उनका पेपर और एकेडमिक पेपर, साइंस का एकेडमिक पेपर, उन्होंने कहा है विश्व में प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही शुरू हुई थी, जिसका कांग्रेसी लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं भाई? आपके नेता जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, तो आज आप क्यों मजाक उड़ाते हैं? जीरो तो बाद में आता है। वर्ल्ड का आप बताइए, वर्ल्ड का सबसे लंबा, दो देशों को जोड़ने वाला सबसे पहला पुल कहां बना था? जोर से बोलिए, राम सेतु। तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमें इन बातों पे हंसना चाहिए। और जो लोग इस बात पे आपको हंसते हैं, हीन भावना देना चाहते हैं, उन लोगों का समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। हर चीज का जवाब है एटीट्यूड। यू आर यंग पीपल एंड आई एम टेलिंग यू, हर चीज। जब मैं दिल्ली पढ़ने गया था भोपाल से, मैं भी भोपाल का हूं, मेरे पिताजी वगैरह ने अकोला में बहुत साल रहे, नागपुर से ही मेरे पिताजी ने एमए किया है। मेरे दोनों माँ बाप फ्रीडम फाइटर्स थे, खास कांग्रेसी थे। मेरे पिताजी जेल में रहे 4 साल, मेरी माँ 17 साल की थी, शादी करके 2 महीने हुए थे, उसके बाद सालों जेल में रहीं। मेरे पिताजी ने हजारों कोड़े खाए हैं, 95 साल की उम्र में मरे, तब उनके पीठ पे निशान पड़े हुए थे। उस परिवार से मैं आता हूं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा पढ़ने के लिए, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। ये अलग बात है, मैंने अभी अंग्रेजी में किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई, उस किताब से भी आपको बता दूं। 10 साल मैंने रिसर्च किया, जब मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमने एक रिसर्च किया, और हमें पता चला कि भाई जो भारत ये नेक्सल जो प्रॉब्लम है, हर साल इसमें नए नए लड़के लड़कियां ज्वाइन करते जाते हैं, ये आते कहां से हैं? कोई माँ बाप, आपके माँ बाप जब आप आए थे फर्स्ट ईयर में, क्या आपको ये कह के भेजा था बेटा जिस दिन तुम कॉलेज में जाओगे भारत सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर देना और आजादी की मांग करना, भारत के टुकड़े टुकड़े की मांग करना और जाके नक्सल मूवमेंट ज्वाइन कर लेना? ऐसा किसी ने सिखाया था? हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, गरीब हो, अमीर हो, भारत का कोई परिवार, माँ बाप ऐसा नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को देश तोड़ने की बात सिखाए। तो ये सीखते कहां से? आपको लगता है कन्हैया कुमार के माँ बाप ने उन्हें बोला था कि जाके तुम अफजल गुरु के जिंदाबाद के नारे लगाओ, या उमर खालिद के माँ बाप ने बोला था? हमने ये डिस्कवर किया कि ये लोग कॉलेज में आते हैं, वहां पे प्रोफेसर्स, सब नहीं, चंद प्रोफेसर्स
जो एनजीओज और नेक्सल और देश के दुश्मनों के साथ एक नेक्सस सा बना हुआ है, वो लोग इन यंग लड़के लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में 5 और 10 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, उसी तरह हमारे देश में भी बहुत सारे यंग लड़के लड़कियों को ब्रेन वॉश करके स्टोन पेल्टर, जिहादी और नेक्सल बनाया जाता है। जब हमने ये डिस्कवर किया तो सारे वर्ल्ड के लोगों ने कहा बहुत अच्छी आपने ये डिस्कवरी की है, लेकिन चंद पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी थी जो हमारी जान के पीछे पड़ गए, कहने लगे तो झूठ है झूठ है झूठ है। आपने खुद देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 5 अर्बन नेक्सल्स गिरफ्तार हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के उसमें। यह हमारा कॉन्फिडेंस है जो भारत को बदल रहा है, यह हमारे यंग लोगों की जो थिंकिंग जो चेंज हुई है, जिन लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं दिया गया आज वो सोशल मीडिया पे आके, ये जो लोग अपनी दुकानें ठेकेदार और जमींदारों की तरह से इतने सालों से चला रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं दिल्ली में रहता था, सन 1984 की बात है, मैं जे वॉल्टर थॉमसन वर्ल्ड की नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मैगी का अकाउंट हैंडल करता था। मैं सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था तो जब मैं निकल रहा था अकबर रोड के वहां से तो वहां पुलिस वालों ने रोक दिया। मैंने क्या हुआ, बोले कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी है किसी ने। जब हमें वापस, जब तक मैं वापस लौट के जा रहा था तब हेलमेट पहन के हम जाते थे, मुझसे बोला हेलमेट उतारिए, मैंने हेलमेट उतारा, कहने तुम कौन हो, कांग्रेसी हो क्या हो, मैंने भाई मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी हूं। मेरा जो रूममेट था वो सरदार था, चरण जी आपको सुनना चाहिए, आपका आंखें गीली हो जाएंगी सुन के। शाम को जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो उसकी दाढ़ी जला दी थी, उसकी पगड़ी जला दी थी, उसके बाल काट दिए थे और उसका पांव तोड़ दिया था, और उसे ले जाने के लिए कोई हॉस्पिटल इसलिए नहीं मिल रहा था, माफ कीजिएगा मुझे भी अगर आप चाहें केस कर सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जगदीश टाइटलर, ये लोग हजारों कांग्रेसियों की फौज लेके हर सरदार को जला रहे थे और मार रहे थे। आप सब भूल गए होंगे, क्योंकि इंसान के दिमाग की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात भी यही है कि हम लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा न्यूज़पेपर्स उठा के देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए, आप लोग नई ब्रीन है थोड़ा रिसर्च करिए, शाम को जाके अगर देखिए आपको पता चलेगा भारत में सिर्फ खबरें यही आती थी, यहां दंगा मार पाट हो गई, यहां पे रायट हो गई, यहां पे बम फट गए, हर हफ्ते 15 दिन में छोटे मोटे बम कहीं ना कहीं फटते रहते थे। ये कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं, मुजफ्फरपुर में, मराठवाड़ा में, विजयवाड़ा में, भोपाल में, सागर में, कहीं भी स्टेशनों में यही लोग चिंता करते रहते थे कि सामान भैया किसी का पड़ा है, लोग इसी चिंता में लगे रहते थे। आज आप देखिए, आज लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया है। आज जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं आपकी चिंता ये नहीं होती किसका सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गई है। आप 2014 के पहले के जरा पेपर्स और टीवी न्यूज़ देखिए उठा के, अगर हर रात सिर्फ पाकिस्तान 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 की बात होती थी। आज हमने क्या किया, बिना लड़ाई लड़े उनसे, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तो ठीक है, बिना लड़ाई लड़े हमने उनको स्ट्रेटजिकली आइसोलेट कर दिया। आज भारत में पाकिस्तान की कोई बात करता ही नहीं है। आज भारत का दुश्मन कौन है? भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, भारत का दुश्मन है, मैं बताता हूं कौन, ए नेगेटिव थिंकिंग, नंबर 2 इनएफिशिएंसी। अगर आपको चेंज करना है इस देश को, अगर आपको पावर्टी को खत्म करना है तो सबसे पहले एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात होनी चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं करते ये नेता लोग? आपने किसी नेता को, आज 500 नेता लोग कलकत्ता में इकट्ठे हुए हैं, आई बेट एनी बडी वर्थ इज सॉल्ट, कभी कोई ये बोलेगा इस देश को प्रोडक्टिव बनना चाहिए? क्या बिना प्रोडक्टिव बने ये देश कभी पावर्टी से लड़ सकता है? अगर जो ये या नागपुर में जो ये बन रहा है मेट्रो, अगर ये स्पीड से नहीं बनेगा, प्रोडक्टिविटी से नहीं बनेगा, एफिशिएंटली नहीं बनेगा, तो कैसे ये देश गरीबी से लड़ेगा?
अभी आप लोग जब जॉब करने जाएंगे, शायद कॉलेज में भी सिखाते ही होंगे, आपके इतने फॉरवर्ड लुकिंग आपके प्रिंसिपल हैं, तो आपको कॉलेज में भी सिखाते ही होंगे हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंटली। अपनी माँ को देखिए कितने एफिशिएंटली सुबह आपका भी खाना बना देती हैं, पिताजी का भी कर देती हैं, घर का सारा काम चला देती हैं, वो एफिशिएंसी हमें चाहिए। मैं जब दिल्ली से आया था सन 1991-92 में बम्बई में, तब मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था वहाँ पे, और मेट्रो ट्रेन आई अभी यहाँ 15 आपको पता होगा कितने साल लगे सर मेट्रो आने में बम्बई में, 20, 21, 22 कितने साल लगे? नहीं, मैं जब आया था उस कितना आपको तो पता होगा, 22 साल मेट्रो बनने में लगे, और वो भी एक छोटा सा स्ट्रेच है, कोई ऐसा कोई बहुत महान पिलर्स के ऊपर एक ब्रिज खड़ा करके बनाने वाली बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इरादा गलत था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंटेंशन करेक्ट था, लोगों के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का इरादा उस वक्त की सरकार चीफ मिनिस्टर्स का करेक्ट था, लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स थी, वहां एफिशिएंसी नाम की चीज नहीं थी और करप्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए 22 साल लगे। वो कोई कांग्रेस की है क्या मेट्रो? जब आप बैठते हैं आप कहते हैं कांग्रेस की मेट्रो है क्या? वो तो भारत की मेट्रो है, तो भारत के साथ प्रॉब्लम था कि हमारे इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस थी। अभी सन 2014 में एक मेट्रो बननी चालू हुई है जो इतनी लंबी है, जो वहां टाउन से शुरू होती है और कहीं और जाके खत्म होती है, 2-3 तरफ। आप कभी बॉम्बे आके उसकी स्पीड देख लीजिए और किसी भी बंबई वाले से पूछ लीजिए आप, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में होके आया हूं, 20-25 दिन वहीं पे था, इतने सारे ब्रिजेस और सड़कें वहां, 25-25 साल से ब्रिज के खंभे खड़े थे, ब्रिज नहीं बनते थे, वो सब 2-2, 3-3 साल में बनके खड़े हो गए। इसका मतलब भारत के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भारत, आप पूरा विश्व घूम लीजिएगा, एक ना एक दिन आपके जीवन में आएगा जब मटेरियलिज्म से ऊपर उठेंगे आप, जब आपको गाड़ियां और चकाचौंध के अलावा भी जिंदगी होती है, जब हम घर में, तभी मैं कह रहा था पास्ता के बाद पकौड़ा ही अच्छा लगता है, कितना भी बाहर खा लीजिए माँ के हाथ की दाल रोटी अच्छी लगती है। भारत देश की लीडरशिप किसके हाथ में होनी चाहिए? मोदी जी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए जो भारतीय है, या उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो भारतीय बनने का पाखंड करता है? क्या उस वक्त व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो भारत की मिट्टी से बड़ा हुआ है, जो मसूर की दाल और तुअर की दाल का फर्क जानता हो, जो नागपुर और नालंदा का फर्क जानता हो, या ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसके 10 लोग हाथ पकड़ के उसको सिखा रहे हैं? बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन इस देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, और जब तक यह दुर्भाग्य रहेगा, हम और आप जैसे ईमानदार लोग कितनी भी कर्मठता, कितनी भी सिंसेरिटी के साथ काम करें, इस देश का भविष्य अंधकार में रहेगा। और वो दुर्भाग्य ये है कि 70 साल की आजादी के बाद हमारे देश में ऑपोजिशन के नाम पे अगर लीडरशिप कोई है तो इतने दुख की बात है, उसको सारी दुनिया पप्पू बोलती है। तो ये लीडरशिप आप लोगों में से आनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स से डरिए नहीं, पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है, डोंट बिकम पॉलिटिकल बट बी पॉलिटिकली अवेयर। भारत हम सबका है, हम सबका रहेगा, आने वाले वक्त में कोई कुछ भी कर ले, अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। भारत वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी और सबसे पावरफुल देश बन के उभर रहा है, उभरेगा, और हमारे देश के जितने यंग लड़के लड़कियां हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं, आपको भारत माता की जय बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी पूरा विश्व बोलने वाला है भारत माता की जय। धन्यवाद।